तो हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है फ्रंट पेज पे मेरा नाम क्यों आया है? इसका तो मतलब साफ साफ दोस्त है कि मुझे साजिश चल रही है मुझे फंसाने की। तभी तो मेरे नाम से वारंट निकला, मेरे नाम से एफ आई आर हुआ। अगर हम बस आप लोग से एक ही बात कहना चाहते हैं, आप हमको फंसाएं क्यों, मेरा नाम क्यों डाले? मैं तो आप लोग के साथ थी। आप हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कि जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्लिप में आप देख के समझ पा रहे होंगे कि इनकी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है गोरखपुरिया भौजी की। मुझे भी पता चला तो बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था कि गोरखपुरिया भौजी की तबीयत ख़राब हो गई है बेचारी की। इतना सब लोग डिप्रेशन दे दिए हैं उनको, स्वस्थ इंसान भी बीमार पड़ सकता है। आप सबसे क्या कहें, इतना टॉर्चर करने वाले भरे हैं एक दूसरे को कि नहीं देख पा रहे हैं ये कैसे आगे बढ़ के जा रही है, कैसे इनका अच्छा खासा जीवन चल रहा है, कैसे खुश हैं। जैसे गोरखपुरिया भौजी हुई, ऐसे ऐसे बहुत यूट्यूबर हैं, बहुत क्रिएटर हैं कि उनको देख के उनका अगला इंसान जलता है कि ये आगे ना जा पाए, हम इनके ऊपर उंगली उठाएं, कैसे ये मतलब तरक्की कर रही हैं, कैसे मतलब इनका चल रहा है घर गृहस्थी कारोबार, मतलब अपने ज़िंदगी में कैसे खुशहाल हैं। तो कुछ लोग ये भी नहीं देख पाते हैं, उनसे कुछ नहीं रहा जाएगा तो मतलब पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत कहानी बना के बस ऐसे मतलब वीडियो बना के अपलोड कर देंगे एक दूसरे के बारे में बुराई करके। तो मतलब इतना अच्छा है, मतलब हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं गोरखपुरिया भौजी। जिसको अच्छे लगे या ना लगे कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी को मैं दिल से मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी। क्योंकि उनका मतलब हर अंदाज अच्छा लगता है, उनका हर लॉन्ग या शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिनके लिए वो अच्छा सोचती हैं वही लोग उनके लिए बुरा सोचते हैं। मतलब हॉस्पिटल का वीडियो देख के मतलब मुझे इतना तरस आया कि भौजी को कैसे तबीयत ख़राब हो गई। मतलब वैसे भी वो मतलब किसी ने उनके पति पर पता नहीं क्या आरोप लगाया, क्या बात हुई सही से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हर पत्नी अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए परेशान होता है, लेकिन लोग हैं ना इतना टॉर्चर करने लगे हैं, इतना टॉर्चर करने लगे हैं, इंसान कैसे खुश रहे, कैसे आगे जाए। एक लोग आगे जाता है तो एक लोग दबाने को कोशिश करते हैं, उनके बारे में गालियाँ बकने लगते हैं, उनको उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं। दिमाग है कोई, कुआँ तो है नहीं कि जल्दी भरेगा नहीं, कुआँ भी तो भर जाता है लेकिन दिमाग है ना, इतना प्रेशर पड़ जाता है, अच्छा खासा स्वस्थ शरीर भी बीमार पड़ जाता है। मतलब तो ऐसे है कि हर वक्त किसी एक पे उंगली उठाई जाए तो कितना स्वस्थ रहेगा, आप सब बताओ। तो कौन कौन आप सब गोरखपुरिया भौजी को ज़्यादा मानते हो, किसको किसको ज़्यादा अच्छा लगता है उनका वीडियो कमेंट। जैसे कि आप सब भी देखे होंगे मालती चौहान के मतलब पूरे जो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक दुर्घटना घटी, जो बातें हुई, हर वक्त वो खड़ी रही, मतलब हर सुख दुख में वो शामिल हुई, हर बार आई गई तब तक उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, अब भी उठाई जा रही है, उसे कोई चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। बताओ ऐसे में अगर उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है तब भी लोग बुराई करते हैं, कहेंगे कि ये तो मतलब ड्रामा की है। अच्छा एक बात बताओ, कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा और उसको ग्लूकोज का वो लगा रहेगा, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा होता है तो बताओ वो एक्टिंग करेगी, ड्रामा करेंगी? कुछ लोग ये भी फर्जी कमेंट मारते हैं, सामने से देख रहे होते हैं लेकिन फिर भी गलत कमेंट मारते हैं कि ये ड्रामा कर रही हैं। आप सबकी भी तबीयत ख़राब होती होगी तो शायद ड्रामा करते होंगे, यही तो सोच बैठते हैं दूसरों के बारे में। अच्छा नहीं सोच सकते हो तो बुरा मत सोचिए भाई। जो लोग इतना मतलब बेकार वीडियो बनाते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, उनको और सपोर्ट करेंगे, उनको और अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे। जो लोग अच्छा करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जैसे गोरखपुरिया भौजी हुई, उनके अलावा और क्रिएटर बहुत हैं, जैसे कि राधा राज है और सारे बहुत हैं जो अभी भी मतलब दरिया दिल के हैं, दूसरों के बारे में भला सोचते हैं, अपना काम हो चाहे ना हो दूसरों का हो जाए, अभी भी ऐसा सोचने वाले बहुत पड़े हैं नेक दिल इंसान के, तो उन्हीं के बारे में बुरा सोचने वाले भी बैठे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में अच्छा ना कह सको तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए गाइज। तो हम यही कहेंगे कि गोरखपुरिया भौजी जहाँ कहीं हो, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, अगर हमको देख पा रही हैं तो आप जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि ऐसी हालत में आपको देख के दुख सा होता है मुझे, क्योंकि आपका वो तड़कता भड़कता आवाज़, तड़कता भड़कता मतलब अंदाज बहुत अच्छा लगता है, वही देखना मतलब हर वक्त वही मतलब अंदाज में आपको मतलब वीडियो अच्छा लगता है। तो जल्दी से आप स्वस्थ हो जाइए, ठीक हो जाइए,
भगवान से यही दुआ रहेगी, आप जहाँ रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो। हम तो यही कहेंगे, हर क्रिएटर के बारे में कहेंगे, सब लोग भी अच्छे होते हैं, बस वही थोड़ा किसी के बारे में भला बुरा कह देते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए ऐसा। तो गाइज, किसको किसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जिसको जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सबका एक सब्सक्राइब और एक सपोर्ट से कितना हमको आगे जाने के लिए उत्साह करता है। तो प्लीज़ मेरा मतलब फुल सपोर्ट करिए आप सब। तो हम नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। बाय बाय। आप सब भी ठंडी में अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।